तो आ गए तुम लोग। तो गाइस क्या तुमने मैगी में आइसक्रीम डाल के खाया है? क्या तुमने चाउमीन में दूध डाल के खाया है? अब मुझे पता है कि तुम में से 90% लोगों का जवाब होगा नहीं भाई हमने नहीं खाया है। बट भाई हमारे यहाँ 10% ऐसे भी लोग हैं जो ऐसी चीजें खाते भी हैं और बनाते भी हैं। नहीं विश्वास, तुम खुद ही देख लो। ये आ गया पेस्ट्री, ये आ गए वेजीज, और अब जाएगी इसमें पेस्ट्री, ये डाल दिया और आ गया पानी, ये आ गई मैगी, जी हाँ भारत से गरीब और चीप लेबर का देश, महाराजा और मिर्च मसाले का देश। फिर हम सोचते हैं कि हम ऐसे क्यों हैं? क्योंकि हमारे देश में ऐसे लोग हैं ना। अबे भाई तू मैगी बना रहा था या फिर उसकी माँ बहन कर रहा था बे? चल तेरे को तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। अरे नहीं भाई मुझे तो लग रहा है कि ये बंदा मैगी से अपनी खानदानी दुश्मनी निकाल रहा है, क्योंकि पिछले जन्म में मैगी इसको वाइफ को लेकर भाग गया होगा। देखो भाई हमारे देश में आजकल इन लोगों की वजह से कुछ ज्यादा ही एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। अब एक्सपेरिमेंट सही जगह पे होता तो फिर भी समझ में आता, पर ये झोपड़ी वाले हमारे फेवरेट खाने के साथ ही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। मतलब भाई आजकल बेचारे मैगी के साथ इतना एक्सपेरिमेंट हो रहा है कि जितना मियां खलीफा के साथ नहीं हुआ था। चलो कभी कभी ये मैगी भी सोचता होगा। देखो गाइस सब कुछ खाओ पर मैगी के साथ ऐसी बवासीर चीज बनवा के ना खाना, क्योंकि ऐसी चीज खाने से तुम्हारे पैसा तो जाएगा ही पर साथ में गांड भी जाएगा तुम्हारा। हो गया अंकल रेडी है, देख अच्छे तरीके से मिक्स है, देखिए कितने बेहतर तरीके से रसगुल्ला ऊपर आ चुका है। चलो मेरा बंदूक कहाँ रखा है? अबे कोई इनको बताओ कि इसके लिए गरुड़ पुराण में अलग से सजा है। सही बता रहा हूँ गाइस, अगर मेरा बस चलता ना तो मैं इसके लिए देश में अलग से कानून बनवाता जिसमें जो जो खाने के साथ ऐसी हरकतें करता उनको काला पानी की सजा मिलती। मतलब ये मलाई चाय सुना था, आजकल तो रसगुल्ला चाय भी आने लगा है, और ऐसा ही चलता रहा ना तो वो दिन दूर नहीं जब तंदूरी चाय भी आने लगेंगी। क्या मतलब वो अभी भी बनती है? और बनती है तो क्या चाय में तंदूर डाला जाता है क्या? क्या सोच है रे तेरी? देखो भाई ऐसे वीडियो देखने के लिए सालों की ट्रेनिंग चाहिए, और तुम्हारे भाई ने वो ट्रेनिंग ली है जस्ट बिकॉज इसलिए ताकि मैं वीडियो बना सकूं और तुम मेरे वीडियो को लाइक कर सको। तो अगर तुमको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दो भाई, ताकि वीडियो को पुश मिल सके और मेरा भी चैनल ग्रो हो सके। एक छप्पड़ मार दूं तो साले मुंह के दांत। देखो भैया ये सब देखने के बाद मुझे लगता है कि साला मैं ही इस दुनिया में गलत आ गया हूँ। इन लोगों को फ्रूट और सब्जी में फर्क नहीं पता है भाई। मतलब एक फ्रूट को सब्जी की तरह तेल में फ्राई किया जा रहा है, तो जरा ये सोचो कि सब्जी के साथ ये क्या करते होंगे। मतलब मैं तो ये कह रहा हूँ कि इस भाई के यहाँ तो रेड पड़नी चाहिए, ताकि ये पता चले कि इसने तहखाने में सब्जी के नाम पे और कौन कौन से फ्रूट के साथ दुष्कर्म कर रहा है। मतलब साला फ्रूट के साथ गलत हो रहा है भाई, उसके साथ सोशल हरासमेंट हो रहा है, और इसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा आवाज उठाने। अब ये क्या बवासीर है? बेस्ट सैंडविच इन अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। देखो भाई सबसे पहले मुझे को ये बताओ कि साला सैंडविच है कहाँ? अरे नहीं भाई सैंडविच है कहाँ? क्या तुम्हें सैंडविच दिख रहा है? विनोद क्या तुझे सैंडविच दिख रहा है? हेलो मोदी जी, क्या आपको सैंडविच दिख रहा है? बाद में सबसे पहले इस देश से चीज बैन करवाओ, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारे पेप्सी में चीज डाल के परोस दिया जाएगा। अरे नहीं भाई आजकल चीज का ऐसे इस्तेमाल किया जा रहा है कि जैसे वो चीज नहीं बल्कि गरीबों का शिमला मिर्च हो। चला इसको खाने के बाद कुछ हो ना हो पर भाई गांठ उल्टी जरूर होगी। माँ कसम ऐसी बहुत सारी चीज मैंने अपनी जिंदगी में झाट नहीं देखी थी। इसको खाने के बाद इंसान मोटा नहीं बल्कि उसकी माँ बहन हो जाएगी, और ये जो भी सिटी है जिसका भी दुकान है चला इसके यहाँ तो सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए भाई। विनोद मोदी जी से बोल के इसके यहाँ सर्जिकल स्ट्राइक करवाएं। चला बोल तो ऐसे रहा है कि मोदी जी इसके बुआ के रिश्तेदार लगते हैं। तो भाई क्या तुम्हें पता है कि अंकल ने अभी अभी क्या बनाया है? चल अगर मैंने तुम्हें बता दिया ना तो तुम्हारे जमीन तले पाओ क्या गांड भी खिसक जाएगा। ये अंकल ने अभी अभी कैंडी पराठा बनाया है। हाँ ये जो चीज तुमको दिख रहा है वो दुकानों में मिलने वाली 1-2 रुपए वाली कैंडी है, और ये चीज देखने के बाद मुझे अंकल से सिर्फ एक चीज पूछनी है। क्या बवासीर बना दी हो? मतलब अंकल गांड से अंधे हो या फिर अंधे की गांड हो? मतलब चला कौन से एंगल से ये पराठा लग रहा है? चला इसको देख के ऐसा लग रहा है कि किसी ने गुजिया की गांड मार दी है। मतलब साला कुछ भी बनाया जा रहा है और कुछ भी बेचा जा रहा है। देखो भाई ये वही लोग हैं जो मिठाई से सब्जी और सब्जी से मिठाई बनाते हैं। अब जो भी है गाइस, पर ये सब देखने के बाद मुझे ये लग रहा है कि अब जिंदगी में मैं कभी भी स्ट्रीट फूड नहीं खा पाऊंगा। गजब बैंड गजब, साला आइसक्रीम से आइसक्रीम बनाया जा रहा है, और साला उससे भी बड़ी बात यह है कि 30 रुपए की आइसक्रीम 150 में बेचा जा रहा है। और सबसे ज्यादा पागल वो लोग हैं
जो इसको 150 में खरीदते भी हैं। अरे मेरे भाई, इसने क्या यूनिक बनाया है, इसने तो तुम्हारा चुतिया काटा है। और ऊपर से इसको देखो, सच बताना, इसको देख के तुम्हारे मन में सबसे पहले चीज क्या आई थी? ये तो टट्टी है। बाकी भाई, इससे ज्यादा मैंने देखा ना तो मैं सही में पागल हो जाऊंगा और मेरी हालत हंगामा मूवी के राजपाल यादव जैसी हो जाएगी। मैं पागल हूं, मैं पागल हूं। तो आज की ये मजदूरी हम यही खत्म करते हैं। और अगर तुमको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, ताकि ये वीडियो थोड़ी पुश हो सके और मेरा भी चैनल ग्रो हो सके। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो मजदूरी में। तो हाँ, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच कमिंग, बाय।